welcome to Nepal Capital Network. Please. Give me salary, Dada. I have Sunita ji. आप नेपाली में पूछ सकते हो, मैं नेपाली हूँ। मैंने वो हर वर्ष आउँछु यहाँ पशुपति पूजा दिन रहे हामीले त थाहै हुँदैन किन भने भने सबै आउँछ त्यता त्यसको लागि नभनेको पूजा गुप्त राख्नुपर्छ न हामीहरूलाई सर पनि आउनु भएको थियो पछिल्लो वर्ष होइन हाँ लास्ट इयर आएको थिएन एकदम एकदम चासो छ क्या दर्शकहरूको खास सुनिताजी कहाँको हुनुहुन्छ होइन धेरै दर्शकको चासो छ अब जहिले पनि उहाँले भन्नुहुन्छ नेपालको चेलीहरू साली भनेर होइन होइन मेरो आमा साखुको साखुको अब साखुको गोविन्द सर नेपाली बुझ्नुहुन्छ सिकाएको छु अलिअलि बुझ्छ भने अलिअलि बुझ्छ नमस्कार प्रणाम मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय आकाश अधिकारी जी का आज नेपाल फिल्म एसोसिएशन की तरफ से हमें यहाँ आमंत्रित किया गया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं और सुनीता यहाँ पर पूजा प्रार्थना के लिए सदैव आया करते हैं परंतु ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि फिल्म लाइन की तरफ से मुझे निमंत्रण मिला और मैं पुनः आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ ये जो प्रेम और ये सम्मान और ये स्नेह वर्षानुवर्ष मुझे यहाँ पर मिला है वो तो साथ ही है और ये कृपा सदैव रहे आप लोगों का प्रेम सदैव रहे और माई का ऐसे ही आशीर्वाद रहे यही प्रार्थना करता हूँ इस आपकी वीर भूमि से प्रणाम करता हूँ यहाँ के जितने वृद्ध हैं आप सभी से प्रणाम करता हूँ और जो यहाँ के जो लोग वर्षानुवर्ष मेरी फिल्में देखते आए हैं मेरे फैंस ख़ास तौर पर जितने फैंस हैं मैं आप लोगों का बहुत बहुत प्रेम और सम्मान का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ थैंक यू सो मच Love you all and see you all in this function. We have 53rd Golden Film Festival. Film Festival of Nepal. Nepal हो रहा है नेपाल का और मैं चाह रहा हूँ कि जितने फैंस हैं और जो चाह रहे हैं और जो लोग चाहते हैं कि नेपाल में इस तरह से फिल्म लाइन की तरफ से जो ये कार्यक्रम होते हैं ये और हो और बाहर से लोग आएँ और मिलें आपस में अपने काम करें और समझें और ये प्रेम प्रथा जो है ये फिल्म लाइन से सदैव रही है ये रहा करे और इसमें जो जो काम अच्छा कर सकते हैं यहाँ से आर्टिस्ट वहाँ और वहाँ के आर्टिस्ट यहाँ आया करें ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ ख़ास तौर पे आप जो है ये कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आई लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द डेफिनेटली गोविंद सर the superstar in Bollywood, and then Sunita Didi, definitely. Thank then you. There is Niruta Singh, definitely. So, Producer Association, I'm the president, everybody knows. So, we like to really, really heartily welcome to all of you. Thank you, Adash. Day after tomorrow, we are flying to Birganj. We have our festival in Birganj from 21st of Kartik in Nepali date. Kais Gate, Nepali date. Okay. So we are starting first opening ceremonies that day and second and third, 3 days we are running for there. It means November 6, 7, 8 and 9 is there. So Govinda sir will be there, definitely. You guys can have enjoy and you can see the superstar Govinda. And definitely I like to say, Amji Govinda. Asa lagta. कि मलाई वेलकम टु मला मी कुन नेपाली भएर पार्टी पुरा गर्दै छ ल वाटर ड्रास लरे लरे गोविन्द लरे 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 गोविन्द लरे लरे आम चीज कडी आले सो मच सो भन्दा अगाडि भेट सरसँग भएको थियो कि थिएन उहाँहरुको परिवार सँग के छ तपाईको उहाँहरुसँग भेट भएको थिएन फर्स्ट टाइम भेट भइराछ मिलेगी तो डेफिनेटली करूँगा हाँ नॉट फुल्ली मैं मेरा भी पिक्चर पूरा नहीं देखता हूँ सीन टू सीन सीन टू सीन आकाश सर एउटै कलेजमा पढ्नु भएको रहेछ
सर ये वेरी सीनियर वेरी सीनियर। जब मधुमती आंटी जी बोल रही थी, जब मैं एक बार गया था वो बोले थे गोविंद सर ने भी यहाँ पे काम किया, एक्टिंग किए थे, तो त्यतिखेर धेरै सिनियर हुनुहुन्छ उहाँ, हामीहरू धेरै जुनियर हो, तर क्लास चाहिँ जुहु मधुबनी। निर्दा जी तपाईँ आफैलाई एकदम पपुलर एक्ट्रेस थाहा छँदैछ र सिङ्गर पनि अधिकांशलाई थाहा छ, आज उहाँ सरको गीत तपाईँले गाइदिनु पर्ने हुन्छ। उहाँको त यति धेरै गीत छ, अब कुन चाहिँ गीत गाउँ म? मैं तो भेलपुरी खा रहा था, रस्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अरे नाइस कति बेला त आयो, कति भन्ने बुझ्न खोजिराख्नु भएको छ होइन, खास खास गोविन्द सरसँग त्यो भेट याद गरिदिनु भएको छ के? नेपाली चेलीसँग गोविन्द सरको भेट कसरी भयो? ऊ मेरो मेरो ठुलो दिदीले उसको मामासित बिहा गरेको, स्ट्रगलिङ डेजमा ऊ त्यहीँ रहन्थ्यो, तर त्यहाँ जाँदा आउँदा जाँदा आउँदा मैले हातै समातेर माया गरिदिएँ, अहिलेसम्म छोडेको छैन। यस्तो हुन्छ नेपाली छोरी। अरे यहाँ आके त मेरो ऊ के बोल्ती बन्द है। गुन्द्रुकको झोल, गुन्द्रुकको झोल अरू भात खानै पर्छ यहाँ। उहाँलाई भेटेँ मैले पहिलोचोटि भेटेँ जस्तै लागेन, दिदी त झन् अब एकदम घरकै दिदी मलाई त्यस्तै भयो, उहाँ त अब उहाँको त त्यसै पनि फ्यान, र भेटेपछि झन् यस्तो डाउन टु अर्थ, यति धेरै नाम गरेको बडी उहाँलाई नचिनेको छ होला होइन, उहाँको पहिलादेखिको फ्यान, तर पनि यति डाउन टु अर्थ, कति राम्रो, कस्तो आर्टिस्ट, पक्का आर्टिस्ट। धेरै दर्शकले भोलिको फेस्टिभलमा चाहिँ गोविन्द सर तपाईँको गीत सुन्न चाहन्छन्, हेर्न चाहन्छन्, के के छ त्यो लिस्टिङमा तपाईँले तयार गर्नुभएको छ पब्लिकको लागि चाहिँ? परफर्मेन्स के लिए ना? नहीं, आप क्या क्या गाना गाओगे जब आप फंक्शन में जाओगे? कुछ आपने डिसाइड किया कि क्या करेंगे आप 8-7 तारीख को? आप लोग जो कहिए सरप्राइज है, मैंने ये सरप्राइज रखने अहिले भन दिए मैंने, सरप्राइज तो गयो। आप ही नचा रही है वर्षानुवर्ष। मुझे जो यहाँ अच्छा लगता है, नहीं आप यहाँ से लास्ट ईयर गए थे ना, तो ही इज आस्किंग आपको बॉम्बे में आपको कितने लोग ने पूछा नेपाल के बारे में, कैसा लगा आपको? सदैव पूछा करते हैं ना उन लोग, अच्छा ये चैनल के ऊपर जितने टाइम इवेंट होता है, शोज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ख़ास तौर पर जो मुझे यहाँ पर जो अब जैसे जैसे डांस के ग्रुप्स हैं वो सब हर जगह के आ जाते हैं, परंतु जो यहाँ का है वो मुझे, मैं उस वक्त था जिस वक्त वो जीत रहे थे और वो नंबर वन पोजीशन पे आए उधर, वो बहुत अच्छा लगा। ऐसे बहुत से आर्टिस्ट आए, बहुत से हीरो आए, हीरोइन आए, और अच्छा लगेगा, राइटर्स आए, डायरेक्टर्स आए, अब ये रिश्ता, ये संबंध जो है ये और गाढ़ा हो रिश्ता, ऐसी ही मैं प्रार्थना करता हूँ। तपाईँको धेरै मारा माया गर्छु, तपाईँ सबैले नेपालहरूलाई माया गर्छु, आज बाइट त उनले तिमीलाई बाइट पठाएको नेपालीमै गरेको बाइट, सुरु सुरुमा यिनले नेपालीमै बात गर्दै थिए ना, तो मुझे समझ में नहीं आता था क्या कह रहे हैं, बाद में इनको समझ में आया कि मुझे सब समझ में आ रहा है। अच्छा लगता है, बहुत बहुत प्रेम मिला है, बहुत प्रेम मिला है। अब तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। और सबसे अच्छा ये जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ये लगता है कि यहाँ का प्रेम हिलता नहीं है। वाह, आई है सबैजनालाई म थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु, म जुन बिमार भएको थिएँ तपाईँहरू सबजनाले यति धेरै मलाई माया गर्नुभयो, जुन चाहिँ मेरो फिल्म रिलिज भयो म आउन पाइनँ,
म कति जान्थे कति वर्षको ग्यापमा मैले गरेको फिल्म थियो तर पनि म आएर तपाईहरुको अगाडि सबै मैले अब त्यो फिल्मको मैले के भन्ने थिए इन्जॉय नै गर्न पाइन त्यो मोमेन्ट म बिमार भएर तर तपाईले यति धेरै माया गर्नुभयो मलाई मेरो स्वास्थ्यको लाभको लागि तपाईले मेसेज पठाउनुभयो मेरो सम्पूर्ण दर्शकहरुले मलाई यति धेरै माया दिनुभयो तपाईहरुको मार्फत मेरो दर्शक मलाई माया गर्नुहुने मेरो फ्यानहरु लगाय तपाईहरु सबै जनालाई धेरै धेरै धन्यवाद मैं ये सच कह दूं कि मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए नहीं आया हूँ परंतु आप लोग कहेंगे तो डांस होगा गाना होगा विल एंजॉय विल हैव अ ग्रेट टाइम लॉट्स ऑफ फैंस आर वेटिंग फॉर द सुपरस्टार गोविंदा डेफिनेटली यू गाइस आर एंजॉयिंग दैट डे इज 7th ऑफ नवंबर